हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू अनदर चैप्टर ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एंड द मेथड इज कैपिटलाइज्ड मेथड. सो अंडर दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बिहाफ ऑफ टू. फर्स्ट मेथड इज अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो दीज आर द टू वेज थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द गुडविल बाई यूजिंग कैपिटलाइजेशन method. Now we will start from the first type of method, that is capitalization of average profit. Okay, this thing we will do. So what are the steps? कैसे हम calculate करते हैं goodwill? By using capitalization of average profit method. तो इसमें सबसे पहले तो हम average normal profit earn करते हैं, जैसे कि हमने पहले अपने previous methods में किया है. इसके बाद हम capitalize value of the firm है, that is the new thing which we will calculate. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. फिर हम नेट असेट्स वैल्यू निकालते हैं. तो नेट असेट्स जो होती हैं वो जितनी भी जो असेट्स होती हैं, सिर्फ एक गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट्स के अलावा, इनको छोड़कर उनमें से अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है, ठीक है, वो हम माइनस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है नेट असेट. और गुडविल जो होती है वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जो हम स्टेप टू में जो कैलकुलेट करते हैं उसमें से जब हम नेट एसेट की वैल्यू माइनस कर देते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. अंडरस्टैंड? अब हम करेंगे इसका एक क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है, अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज़ 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर 1,80,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द गुडविल. तो यहाँ पर जो दे रखा है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न है वो यहाँ पर बता रखा है, वो है 1,00,000 इन क्वेश्चन. ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख है, सॉरी 1,00,000 नहीं. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, जैसे कि फॉर्मूले में मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 100 अपॉन ये एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, इसको 100 अपॉन 10 जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये दे रखी है. तो इससे हम ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 लाख रुपीज़ जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गई. अब हमें असेट्स दे रखी हैं, असेट्स दे रखी हैं 10 लाख रुपये की असेट्स है और लाइबिलिटीज़ जो है 1,80,000 है. इन दोनों को हम डिफरेंस निकालेंगे, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास आ जाती है नेट असेट्स 8,20,000. तो 8,20,000 जो असेट्स है, ठीक है, अब हम गुडविल निकाल देंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो हमारी 10 लाख थी और नेट असेट्स जो है वो 8,20,000 है. तो यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस असेट्स में से, बिजनेस असेट है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस में से नेट असेट्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख माइनस 8,20,000 इज इक्वल टू 1,80,000. दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म. ठीक है, समझ आ गया. अब हम इसके बाद सेकेंड मेथड करेंगे. सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन सुपर. अब सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर प्रॉफिट का, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल. ठीक है, तो इसके स्टेप्स जो हैं, सबसे पहले है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट. तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है, मतलब एक ही है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे. इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. इसके बाद क्या एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है. फिर सुपर प्रॉफिट, पता ही है आपको, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है सुपर प्रॉफिट. और फिर बाद में आती है गुडविल. तो गुडविल जो आएगी, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन इसी मैथड से रिलेटेड. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर ₹3 लाख एंड बी ए ₹3 लाख एंड बी ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2018-19. द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल इट इज दी करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे इट इज दी ओके सो हाँ, अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. ओके, नाउ वी विल डू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले है कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारी कैपिटल दे रखी है 3 लाख
और 2 लाख जो है वो बी की कैपिटल है और ए की कैपिटल है 3 लाख, तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारी ये टोटल कैपिटल है। बिकॉज लाइबिलिटीज़ आर नॉट गिवन, तो ये दोनों की कैपिटल ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान के चले गए क्वेश्चन में, बिकॉज नथिंग इज़ गिवन, ठीक है, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ 3 लाख और 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 100 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखा है, तो 5 लाख का हम 20% निकालेंगे तो दैट विल बी 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट जो है 1,50,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000, और गुडविल जो होती है यही सुपर प्रॉफिट है 50,000 को, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा 50 लाख इंटू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2,50,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है गुडविल आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो भी अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लगी है आपको, तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।